Hi students, hope all are fit and fine and enjoying e-learning. So today we will cover Microsoft Access, and Microsoft Access is a database. अब database क्या होता है? What is the database? A database is a collection of data organized a manner that allow easy access and retrieve and use of data. Mean जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, this is your main data, mean this is in organized form, mean that is ID, that is name, medals, events and school. Okay, so मैंने आपको बताया database is a collection of data organized manner that allow easy to access and retrieve use of data. ठीक है, अब देखो हम access में data कैसे create करते हैं, ठीक है, या टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, सो सीधा स्टेप बाय स्टेप आई विल शो यू. ओके, नाउ एक बार यहाँ पे भी लिखा है, अ डेटाबेस टेबल इज कंपोज ऑफ द रिकॉर्ड एंड फाइल्स दैट होल्ड डेटा एंड टेबल आर आल्सो कॉल्ड डेटा सीट. अ टेबल आर आल्सो कॉल्ड डेटा सीट मीन ये जो हमारी ये टेबल है, ठीक है, ये हमारे टेबल हैं. अगर आपको और इंसर्ट करनी है तो आप क्रिएट में जाके यहाँ से क्रिएट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ देन सेलेक्टिंग डेटा इन टेबल, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं मैं आपको बताऊंगा. हाउ टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड, सेलेक्ट अ सेल, ये सब मैं आपको इसमें एक्सेस में बताऊंगा. ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, दिस इज योर टेबल. ठीक है, सीट, अब यहाँ पर टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. अब सपोज देखो, जैसे मैं इस टेबल में हमें क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, आप जाओ सिंपल सा इसमें, देन अब आपको यहाँ पे फील्ड नेम देना है. जैसे फील्ड नेम क्या होते हैं, जैसे ये आईडी, नेम, मेडल्स, इवेंट एंड स्कूल, वही चीज़ आपको इस टेबल में देना है. तो आप क्या करोगे, होम टैब में जाओ, व्यू एंड डिज़ाइन व्यू में आपको जाना है. एंड देन टेबल नेम, आप टेबल का नेम कुछ भी दे सकते हो. मैंने दे दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो. ओके, आ गया स्टूडेंट इन्फो. ओके, अब हमें यहां पे देना है रोल नंबर. रोल नंबर आ गया. अब जो रोल नंबर होते हैं ये किस में होते हैं, न्यूमेरिक्स में होते हैं. तो हमें यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या देना है, नंबर. ठीक है, देन क्लास, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी हमें, यहाँ पे क्लास किस में होते हैं, नंबर्स में. देन नेम, नेम किस में होते हैं, टेक्स्ट में. ठीक है, नेम क्लास एंड एड्रेस, ए डबल डी आर ई एस एस, एड्रेस ये किस में होते हैं, टेक्स्ट में. ठीक है, ये आपके फील्ड नेम हो गए. अब आपको इसमें एंट्री करनी है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू गो अगेन होम टैब, देन व्यू एंड देन डेटा सीट व्यू. अगर आपको एंट्री करनी है तो आप कहाँ जाओगे, डेटा सीट व्यू में. अगर आपको फील्ड नेम देने हैं तो आप जाओगे डिज़ाइन व्यू में. ओके, इसको यस कर दीजिए. आ गया रोल नंबर, क्लास, नेम एंड एड्रेस, जैसे हमारा इसमें आया है, आई डी, नेम, मेडल, इवेंट एंड स्कूल. अगर आपको यह भी चेंज करना है आई डी, तो दोबारा से आप सी जो टेबल है इसको सेलेक्ट करिए, देन गो टू द व्यू टैब, व्यू ऑप्शन एंड देन डिज़ाइन. आ गए यहाँ पे, देन इसके बाद इसको भी आप रोल नंबर दे दीजिए. ओके, अब ये ऑटो नंबर नहीं देना हमें, यहाँ पे इसको देना है नंबर. एंड देन अगेन आप इसमें जाइए एंड डेटा सीट व्यू, एंड इसको यस कर दीजिए. आ गया रोल नंबर, नेम, मेडल, इवेंट एंड स्कूल, ये एक हमारी टेबल है. रोल नंबर, क्लास, नेम, एड्रेस. अगर आपको दोबारा से इसमें कोई अब फील्ड देना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या देना है, टैक्स, सपोज हमें देना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे नंबर लिख दीजिए और क्लिक कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, क्योंकि हमने उसका डेटा टाइप क्या दे दिया, नंबर दे दिया. ओके, अब आपको एंट्री करनी है सिंपल सा, वन क्लास एट, नेम अनुज, एंड देन एड्रेस सार, लाइक दिस वन.
कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो देना है कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। ओके अगेन फॉर अनदर फॉर नंबर 3 क्लास 8, सॉरी पहला इसको हम 8 कर देते हैं। ओके देन कपिल, देन इसके बाद ये हैं बगला, देन एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ओके देन अनदर एंट्री 4 क्लास 8 देन सुरेश। ओके टैप की दबा दीजिए आदमपुर एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर। ओके लाइक दिस अगेन अंदर सी तो हमारी कितनी टेबल हैं, सी दिस वन सीट वन एंड देन स्टूडेंट इन्फो, ये हमारी दो टेबल हो गई। अब आपकी जो यहाँ पे बुक में है इसको इसमें बताया गया है कि कैसे हम फील्ड सेलेक्ट करें, रोज कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है वो सब चीज़ इसमें है, इस जो आपका चैप्टर है इसमें यही चीज़ है। ठीक है आप जो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करोगे तो आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फील्ड कैसे, फील्ड कैसे हम फील्ड देते हैं सभी को पता है। ठीक है आपको सिंपल सा स्टेप का जाना है, यहाँ जाएंगे व्यू करेंगे एंड डिज़ाइन करेंगे, आप फील्ड नेम दे देंगे, अगर आपको एंट्री करनी है तो डेटा सीट में देंगे। अगेन सेकंड में भी ऐसे ही करना है, अगर कुछ और फील्ड देना है तो आप सिंपल सा व्यू में जाइए डिज़ाइन में जाइए एंड देन आपको जो भी फील्ड देना है, ये फील्ड होता है ठीक है इसमें डिज़ाइन व्यू में, अगर एंट्री करनी है यहाँ एंट्री करनी है तो आप कहाँ जाओगे डेटा सीट में, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप क्लिक करिए और जो भी आपको यहाँ पे डेटा टाइप देना है उसको सेलेक्ट करिए एंड देन आपका जो फील्ड है वो रेडी हो जाएगा। नाउ देन हाउ टू सेलेक्ट अ फील्ड, ये हमारा ये फील्ड सेलेक्ट हो गया जैसे आपका यहाँ पे बुक में है लाइक दिस वन, देखो ये आ गया। ठीक है कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है तो आपका ये फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब वही सेम थिंग आपको रो सेलेक्ट करनी है लाइक दिस वन सेलेक्ट हो गया। ठीक है ये आपका सेलेक्ट हो गया, ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीधा कर्सर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा पूरा फील्ड, आपको यहाँ पे जाना है टॉप जहाँ फील्ड है वहाँ पे क्लिक करना है। ओके दिस वन। नाउ हाउ टू डू फिल्टर फाइंड, ये सब हम कैसे करेंगे, देखो सपोज मैं एक यहाँ पे सेम नेम है कोई खुशबू, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल में लिखता हूँ एच एस एच बी डबल ओ, और इसको मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं पेस्ट। ओके ठीक है नाउ अब सपोज अब हमें फिल्टर करना है, यहाँ पे हमें फिल्टर करना है कि भाई यहाँ पे गोल्ड कौन कौन से हैं और सिल्वर कौन कौन से हैं, ठीक है और ब्रॉन्ज कौन कौन से बच्चे हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ जाइए ये तो फिल्टर सॉरी फिल्टर फिल्टर के आप सीधे यहाँ पे जाएंगे क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ क्लिक करा एंड देन फिल्टर। अब हमें यहाँ पे सपोज एक मेडल सेलेक्ट करना है कि हमें गोल्ड किस किस बच्चे ने लिया है, तो आपको पहले ये सबको अनसेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन गोल्ड एंड देन ओके, तो ये सब बच जितने भी हैं सब गोल्ड वाले से हो जाएंगे। अगेन आपको कोई और देखना है गोदेयर, इन सबको दोबारा से अनसेलेक्ट करिए, सिल्वर देखना है तो हम इसमें क्लिक करें राइट। ठीक है सेम फॉर दिस वन, अगर हमें यहाँ पे देखना है भाई इवेंट कौन कौन से हैं फिल्टर, ये 200 में कौन कौन से हैं, ये समझ में आ गया, इन सबको हटा ये सबको जैसे पहले थे वैसे ही करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके आ गया 200 मीटर के आ गए, इसको भी वैसे ही करना है जैसे पहले था सिलेक्ट ऑल एंड देन ओके आ गए सब वैसे के वैसे ही, ये समझ में आ गया। फिल्टर दोबारा देख लीजिए एक दिस वन फिल्टर, यहाँ से जो भी आपको लेना है जेवलिन में कौन कौन से हैं इसमें क्लिक करिए एंड देन जेवलिन में एक ही बच्चा है
ओके, समझ में आ गया। अगर आपको दो लेने हैं जैसे 200, इनको अनचेक करिए, 200 एंड 100 मीटर, ठीक है, 200 एंड 100 मीटर, ओके आ गया, 100 मीटर एंड 200 मीटर, ठीक है। तो फिल्टर के साथ क्या कर सकते हैं, जो आप जो आपको डेटा चाहिए आप उसी को देख सकते हैं, ठीक है। अगर दोबारा से इसको अनसेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हो गया दिस वन एंड देन ओके, राइट। तो आपको जैसा पहले डेटा था वैसे ही आ जाएगा, ओके। असेंडिंग डिसेंडिंग करना है इनको, यहाँ सेलेक्ट करिए, असेंडिंग हो गए, अल्फाबेटिक आ गए, डिसेंडिंग ये आ गया, और यस, ठीक है। नाउ अब सपोज आपको फाइंड करना है, ठीक है, अगेन क्लिक ऑन दिस वन, क्या फाइंड करना है, सपोज मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, खुशबू, ठीक है, ये था ना खुशबू, सो के कैप्स में के यू एस एच बी डबल ओ के यू एस एच के यू एस एच बी डबल ओ देन फाइंड। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है लुक इन, मीन आपको कहाँ चाहिए, करेंट फील्ड में या करेंट डॉक्यूमेंट में। करेंट डॉक्यूमेंट मीन अभी जहाँ पे हमारा ये सिलेक्ट है, ओके, देखो दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा ये सपोज ये है, ठीक है, ये हमारा फील्ड है, ये फील्ड है यहाँ पर, एक वन फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड। अभी हमारा खुशबू कौन से फील्ड में है, नेम फील्ड में, इसको यहाँ से सिंपल सा ये हमारा फील्ड यहाँ पे है। अब आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखिए खुशबू, के यू एस एच के एच यू एस एच आ गया खुशबू। अभी बोल रहा है करेंट फील्ड या करेंट डॉक्यूमेंट, हम अभी सिर्फ करेंगे करेंट फील्ड, क्योंकि हमारा देखो मैंने आपको दिखाया था एक खुशबू, मैंने यहाँ पे भी लिखा था नीचे, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया देखो खुशबू, फाइंड नेक्स्ट, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और इस वाले को सेलेक्ट नहीं करेगा, देखना अभी, क्योंकि हमने क्या करा है, करेंट फील्ड मीन हमारा फील्ड ये है। अगर मैं इसको करूं करेंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी पूरे में, यहाँ देखो इसमें भी आ गया, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। नाउ अब यह है मैच, मीन ये है कि मीन जैसे आपको खुशबू जो सेम है, ठीक है, तो वही चीज़ आपको वो फाइंड करके देगा, होल फील्ड या एनी पार्ट ऑफ फील्ड या स्टार्ट ऑफ फील्ड, ठीक है, ये आ गया खुशबू 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 खुशबू, तो इन दोनों का वर्क एक ही है, ठीक है, ये आप कुछ ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ चेक कर दीजिए, यहाँ पे आ गया। अब सपोज जैसे मैच करना है, ठीक है, मैच मीन जैसे ही मैंने लिखा है ना खुशबू, सेम वो ही अगर चीज़ होगी तो उसको ही फाइंड करेगा, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फाइंड कर रहा हूँ एंड पेस्ट, ओके, बट आपको सिर्फ यहाँ पे पहले मैच केस में टिक करना है, ठीक है, और होल फील्ड या एनी पार्ट ऑफ फील्ड, ठीक है, होल्ड करेंट डॉक्यूमेंट एंड फाइंड नेक्स्ट, सिर्फ ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको भी मैं दोबारा से इसको मैं कैपिटल में क्यों लिख देता हूँ, के एच यू एस एच बी डबल ओ, ओके। अब देखो सिर्फ ये ही दिखाएगा क्योंकि हमने मैच में क्लिक करा है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ तो ये सबको दिखाएगा, समझ में आ गया। तो वो यही चीज़ है जो आपके यहाँ पे बुक में दिखाया गया है, मैच के सर्च लुक इन मैच, ठीक है। नाउ देन उसके बाद रिप्लेस, रिप्लेस का मीन ये होता है कि अगर जैसे आपने खुशबू की जगह एक ओ देना है, अब डबल ओ आ गया ना, के यू के एच यू एस एच बी डबल ओ,
अब हमें यहाँ पे सिर्फ जहाँ जहाँ पे डबल ओ है वहाँ पे एक ओ देना है, तो आप कहाँ जाओगे, अगेन रिप्लेस खुशबू हमें पहले फाइंड करना है, उसकी जगह हमें क्या देना है, सिंगल ओ। करेंट डॉक्यूमेंट एनी फर्ड एनी पार्ट ऑफ द फील्ड एंड देन रिप्लेस ऑल, देखते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल ओ हो गया, सो दिस इज योर फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद, मीन फाइंड हमें क्या करना है और उसकी जगह क्या रखना है, तो वो हम विद में होगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी एक्सेल में भी होती है, ओके। ये सब यही है कि चेंज टेबल व्यू, हम यहाँ से जिस मैंने आपको बताया था टेबल व्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो यही है, यहाँ गए व्यू, ठीक है, डिज़ाइन व्यू ये आ गया, डेटा सीट व्यू ये आ गया, ठीक है। देन रीनेमिंग ऑफ फील्ड, अगर आपको इसको रीनेम करना है तो आप इसको रीनेम कर दीजिए, यहाँ पे हम देते हैं इसका रीनेम है रीनेम फील्ड, यहाँ पे देते हैं एस नेम मीन स्टूडेंट नेम, आ गया स्टूडेंट नेम, ठीक है, लाइक दिस वन। एडिंग फील्ड इन द टेबल, वो मैंने आपको बता दिया कैसे देना है, ठीक है, कैसे मैं देते हैं, यहाँ पे के राइट क्लिक एंड यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट फील्ड, आ गया इंसर्ट फील्ड, ठीक है, अंडू कर दीजिए कंट्रोल जेड, इसमें कंट्रोल जेड वर्क नहीं कर रही बेटा, ओके। तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं, अगर इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया, ओके। सो दिस इज़ अ यूज़ ऑफ दिस वन, शॉर्टिंग मैंने आपको बताया दिया है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कैसे यूज़ करना है, फिल्टर है डेटा मीन कैसे मैंने बताया था, मीन पर्टिकुलर, जैसे अभी एक और करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे हैं जैसे स्टूडेंट नेम में हमें फ़िल्टर यूज़ करना है, क्लिक ऑन दिस वन फिल्टर, और हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है इसमें कौन है, खुशबू, ठीक है। आप सिंपल पहले क्या करें, इन सबको अनसेलेक्ट करो, देन इसमें अनसेलेक्ट खुशबू, ठीक है। अब इसमें दिखा दो खुशबू कौन कौन से, कौन कौन से मेडल लिए हैं खुशबू ने, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज एंड 200 मीटर 400 मीटर रिले एंड जेवलिन थ्रो, समझ आ गया, ओके। नाउ ये रोल नंबर बेटा मैंने अभी ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, बेटे वैसे बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर थे। नाउ यूजिंग एंड सेम वैसी है, फिल्टरिंग में यूज करते हैं इसको, क्रिएटिंग रिलेशन बिटवीन टू टेबल, हाँ अगर हमें दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाना हो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं, ये गए, ठीक है, हमारी एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन देना है, तो ठीक है आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप मैं आपको बता दूँ, जितने भी आपको बताया था मैंने, ये टैब होते हैं, ठीक है, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल टैब, डेटाबेस टूल, जितने भी टैब हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिलेशनशिप, तो आपको कहाँ जाना है, डेटाबेस टूल में, देन रिलेशनशिप में जाना है, जैसे आप रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एंड देन उसके बाद आपने कितनी टेबल बनाई है, जितनी आपने टेबल बनाई है वो आपको यहाँ से होंगी, ठीक है, बट आपको कौन कौन सी टेबल से रिलेशन क्रिएट करना है उनको आप सेलेक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी ये सीट वन और ये थी, तो हम सीट वन को ऐड करेंगे, आ गया देन दिस वन, समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं, आप चाहते हो कि मुझे इसमें दो टेबल और चाहिए, तो आप उनको क्लिक करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे, क्लोज। अब हमें इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, आपको सिंपल सा सिर्फ पे करना है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो ये पूछ रहा है कौन कौन सी टेबल है, ये हमारी सीट वन है रोल नंबर, और स्टूडेंट इन्फो एक टेबल है उसका भी एक रोल नंबर, एंड देन क्रिएट, ये हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ओके, समझ में आ गया ये सब कैसे होगा। नाउ इसको यस कर दीजिए, तो हमारे टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप
क्रिएट हो चुका है। ओके आपके जो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे टेबल में फिल्टर करना है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है, फील्ड कैसे क्रिएट करना है, वो सब चीज़ आपके इस चैप्टर में है। ओके स्टूडेंट ट्राई दिस वन एट योर होम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ओके एंड प्लीज इफ पॉसिबल प्लीज सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन इफ यू हैव डन। ओके थैंक यू।